नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो अभी सुबह का टाइम है, 7 बजे हुए हैं सुबह के, और हम बना रहे हैं श्राद्ध का। तो आज 14 है, तो आज है मेरे बड़े भाई का श्राद्ध, तो उसी के लिए हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 14 को होता है उनका श्राद्ध, तो आज हम खाने में बनाएंगे छोले चावल हलवा पूरी। खाने में चूल्हे पर हमने पानी रख दिया है गरम करने के लिए। चावलों का पानी गरम हो जाएगा तब चावल उसमें छोड़ देंगे। और छोले उबाल के मैंने रख दिया है। प्याज का पेस्ट भी बना के रख दिया है। बस चावल होने के बाद हम सब्जी के मैंने चावल साफ करके रख दिए हैं। और इधर प्याज का पेस्ट भी बना दिया है। और इधर पतली रखी हुई है। ये हमारे छोले उबल चुके हैं। और इधर पानी रख दिया है हमने चावलों का। आएगा उसके बाद मैं इन्हें चावल छोड़ दूंगी, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा हमारा। और लाइट आ नहीं रही, अंधेरा हो रहा है। तो ये जो कपड़े हैं हमारे, इन्हें फोल्ड करके रखे हुए हैं। इन्हें भी मैं बेड के उस तरफ रख दूंगी सारे एक जगह करके। उसके बाद ये खाट खड़ी कर दूंगी। और अभी मैं पोछा लगा देती हूँ, झाड़ू तो लग चुके हैं यहाँ पर। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आई हूँ सब्जी छौंकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पतीली चूल्हे पर चढ़ा दिया है और उसमें तेल डाल दिया है। उसके बाद इसमें जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अपना जो हमारे छोले की सब्जी है वो छौंक दूंगी। तो ये हमारे श्राद्ध का खाना है, जो आज हमारे भैया का, सबसे बड़े भैया का श्राद्ध है। तो उन्हीं का खाना बन रहा है, उनकी मनपसंद का, जो जो उन्हें पसंद था वही सब बना रहे हैं। सब्जी छोकने के बाद अभी मैं आई हूँ फर्श धोने के लिए यहाँ पशुओं का। तो मम्मी निकाल रही है गाय का दूध। आज मम्मी को भी लेट हो गया है दूध निकालने में, तो अभी याद आया था इसलिए अब निकाल रही है। तो इधर मैं फर्श धो देती हूँ, सब्जी मैंने छोंक दी है, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। सब्जी भी बन जाएगी हमारी और ये फर्श भी धुल जाएगा साथ के साथ। तो ये आधा काम तो हमारा ख़त्म हो जाएगा। मिलजुल कर करते हैं तो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है घर का। चावल भी बन गए हैं। और उधर मैंने सब्जी छोंक दी थी वो भी बन गई है। और ये चाय की पत्ती का पानी है, ये हम इसमें डाल देंगे। देखिए सब्जी भी बन गई है हमारी। तो छोलों में डाल देंगे, रंग गाढ़ा सा हो जाएगा। तो ये पानी इसमें डालकर इसका जो छोलों का कलर है वो तेज हो जाएगा। नहीं तो जो थोड़ी डली थी मैंने, तो हल्दी आधी चम्मच ही डली थी, बस आधी तभी थोड़ी थी। गल भी रहे हैं। हाँ और बढ़िया, मैंने तो उंगली तक फोड़े थे, बढ़िया कल रही। और अब बस पूरी बना देगी। उस पूरी बनाने से पहले हलवा बनेगा ना, तो हलवा बना लो पहले, उसके बाद पूरी बना लो। हलवा भी हमारा बन गया है और इधर पूरी बना रही है मम्मी। और मम्मी जल देने के लिए जा रही है छत पर, आने के बाद फिर रोटी लगा देगी। और भाई भी जल देने जा रहे हैं मंदिर में शिवलिंग को चढ़ाने के लिए, वो आ जाएंगे। तब तक हमारा जो खाना है वो भी लग जाएगा। और फिर आकर में जो कनाक तो की रोटी होती है वो निकाल देंगे, भाई को खाना खिला। मैंने अपने रसोई के डिब्बे भी साफ़ किया है, ये देखिए काफ़ी गंदे हो रहे थे तो मैंने साफ करके यहाँ पर रख दिया। पानी निकाल साफ सारा निकल जाएगा। और फिर कपड़े से मैं इन्हें साफ करके मैं रसोई में लगा दूँगी। और अभी आप देखिए मेरी रसोई की हालत कैसी हो रही है।
मैंने डब्बे उठाए थे ना यहाँ से, तो सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ। जब डब्बे सूख जाएंगे मैं कपड़े से साफ करके उनमें सामान रख के सारा जो जो रखा हुआ है पन्नियों में, दाल है, ये छोले हैं, जीरा है, और ये बाकी की जो चीज़ें हैं वो सारे डब्बे में रख के, उस तरफ डब्बे लग जाएंगे, इस तरफ सारे बर्तन आ जाएंगे हमारे जो मैंने अभी बर्तन साफ किए हैं, और जो खाने के बर्तन होंगे हमारे वो मैं बाद में साफ करूँगी। खाने का सारा सामान था वो बन गया है, बस अब थोड़ी देर में रोटी निकाल देंगे भाई। तो ये सामान तैयार कर दिया है पूजन का, अब बस पूज देंगे, रोटी निकाल देंगे। खाने का जो काम था हमारा वो सारा कंप्लीट हो चुका है, और भाई भाभी भी अपने काम पर चले गए हैं। मम्मी पापा ने भी खाना खा लिया है, पापा जी खेत जा रहे हैं, पानी चल रहा है आज, तो वो तो खेत चले गए थे खाना खाने के बाद। और मम्मी बैठी हुई है, लाइट आ चुकी है, तो मम्मी तो टीवी देखने के लिए बैठ गई है, और मैं कर रही हूँ अपनी रसोई साफ, क्योंकि आज मुझे अपनी रसोई साफ़ करनी थी, बहुत गंदी हो गई थी। मैंने डिब्बे भी सारे धो दिया है, साफ़ कर दिया रसोई के, और जो हमारी ये पन्नी है इसको भी अभी कपड़े से साफ़ करके, और जो हमारे ये डिब्बे थे इनको फिर दोबारा वहीं पर लगा दूँगी। तो डब्बों में से मैंने सामान निकाल के धूप में सुखाया है, फिर से उन्हें डब्बों में करके एक तरफ करके रख दूँगी, और बर्तन भी मैंने साफ कर दिया है, तो वो बर्तन भी मैं स्लेब पर लगा दूँगी सारे। सब कुछ हो गए हैं, कपड़े तो मैंने कल ही धो दिए थे, रसोई भी मैंने साफ कर दी है, तो अब जो हमारे बर्तन थे मैंने साफ किए थे वो तो मैं इस तरफ लगा दूंगी, और जो ये हमारे डिब्बे हैं साफ करके रखे थे मैंने, ये लगा दूंगी उस तरफ। तो जो इनका सामान है मैंने अलग बर्तन में कर दिया था सुखाने के लिए, रख के धूप लग गई है, मैंने छत पर डाल दिया था, तो सारा वो इसी में इन डिब्बों में रख के दोबारा से मुझे वहाँ पर डिब्बे लगाने हैं, और एक बार मैं झाड़ू और लगाऊंगी, क्योंकि मैंने रसोई साफ की थी ना, तो जाले वाले कूड़ा करकट सारा नीचे गिर गया है, तो अंदर से लेकर बाहर तक मैं सारे में झाड़ू लगा दूंगी। तो अभी मैं सारे डब्बे रसोई अपनी सेट कर देती हूँ, सब सामान रख के ऊपर का भी करना है मुझे, और ये तो मेरा सारा हो गया पूरा कंप्लीट, सारा डब्बे रख देती हूँ। तो सब्जी वाला आया हुआ है, हम सब्जी ले रहे हैं, प्याज नहीं है, प्याज है, क्या भाव रहे, 60 रुपए किलो, आधी किलो ले ले। हरी मिर्च क्या भाव रही, 20 रुपए, सारी सब्जी महंगी हो गई, पंटा भी बेकार हो रहा, तुझे भी टोटा देगा घर लेने वाले को देगा, गोभी क्या भाव रही, ये भी 60 रुपए किलो हो रही। तो हरी मिर्ची और प्याज लिए हैं हमने, बस यही दे रहा था वो सब्जी, तो गोभी है, लौकी। तो मुझे हो गई है थोड़ी सी देरी रसोई का काम करने में, क्योंकि इसी बीच
सब्जी वाला आ गया था, तो मैं और मम्मी तो चले गए थे सब्जी लेने के लिए उसके पास, और हमने केवल हरी मिर्च और प्याज लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल हमारे घर में यही दोनों चीज़ें यूज हो रही है। लाल मिर्च हम खाते नहीं है, वो जलन करती है ना, इसलिए तो हरी मिर्ची का ही उपयोग करते हैं हम अपने घर में सब्जी बनाने के लिए। वैसे और सारा सामान रखा हुआ है घर पे, जो दाल चावल और सब्जियां है वगैरह वो सब रखी हुई है, बस हरी मिर्ची और प्याज ख़त्म हो गए थे इसलिए हमने वही ले लिए। तो बाकी के जो सामान हमारे पास थे वो मैंने सुखा कर डब्बों में पैक करके रख दिए हैं, और डब्बों का काम तो मेरा सारा ख़त्म हो गया है, मैंने उन्हें लगा दिया है, और अभी बर्तनों का काम है बस मेरा, ये बर्तनों का काम करके मैं हो जाऊंगी फ्री एकदम, मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए मैंने ऊपर का स्लेब भी साफ कर दिया है, नीचे के स्लेब पर बर्तन और डब्बे अच्छे से लगा दिए हैं देखिए, और बस अब मुझे झाड़ू लगानी है सारे में, और उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँगी। क्या काम ने बाल निभाए, बस नहाने के बाद ना मैंने अपना काम ही किया था, बाल निभाए थे अब तक मैंने अपने, तो देखिए कैसे हो रही है। तो चलिए मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ।